हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। अनेक स्थितियों में हमें संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। कब जोड़ने की आवश्यकता होती है? जब हमारे पास उपयुक्त क्षमता का संधारित्र नहीं होता है, तो स्थिति में हम उपयुक्त क्षमता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ लेते हैं और उपयुक्त क्षमता का संधारित्र प्राप्त कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधारित्रों का संयोजन कहलाती है। अब संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणीकरण, इन सीरीज, और दूसरा है समांतर। इस पर तो इस तरह संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक इन सीरीज और दूसरा इन पैरेलल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। आप जानते हैं संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, किसी भी प्लेट को आप पहला और किसी को दूसरा नाम दे सकते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे की दूसरी का तीसरे की पहली से, फिर तीसरे की दूसरी का चौथे की पहली से, ऐसे जोड़ते जाते हैं। यानी प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है वो उसके अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी जाती है। फिर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं और पहले संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध हम आवेश देने की मशीन से जोड़ देते हैं या आवेश देने वाले यंत्र से कर देते हैं। तो जब इस तरह से संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र, संधारित्र का चिन्ह है। संधारित्रों को प्रदर्शित करने के लिए हम दो पैरेलल लाइनें से गुजरते हैं, दो समांतर लाइनें, इक्वल बराबर समान आकार की समांतर लाइनें खींचते हैं। तो ये समांतर लाइनें संधारित्र को प्रदर्शित करती हैं परिपथ में। यदि किसी भी परिपथ में इस तरह की समांतर लाइनें देखें तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ संधारित्र जोड़ा गया है। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए करेंगे क्या, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, इसका दूसरे की पहले से, ये दूसरे की दूसरी है, तीसरे की पहले, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम, या इसका संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी से। इससे जोड़ दिया गया है ये पृथ्वी से। और पहली प्लेट का संबंध किससे कर देंगे, आवेश देने की मशीन से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन संधारित्र C1 जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या C1, C2, C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े। अब विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र को हम क्या करते हैं, जो पहला संधारित्र C1 इसको आवेश देंगे। सपोज करते हैं इस पर प्लस Q आवेश, प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। प्रेरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस पर माइनस Q को आवेश आ जाएगा, बाहरी इस पर प्लस Q आवेश आ जाएगा। अब चूंकि बाहरी दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र है, तो इस बाहरी प्लेट का जो प्लस Q आवेश है अगले को चला जाएगा, यानी C2 को चला जाएगा। तो फिर इस पर प्लस Q आवेश आ जाएगा, अंदर वाले भाग पर माइनस Q आवेश आ जाएगा प्रेरण के कारण, बाहरी इस पर फिर इसके प्लस Q आवेश आ जाएगा। और ये प्लस Q आवेश चूंकि संबंध इसका अगले से है, तो इस पर चला जाएगा। यहाँ प्लस Q आवेश आ जाएगा, प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, यहाँ माइनस Q आवेश आ जाएगा और इसकी बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश होगा, इसका संबंध पृथ्वी से है। तो ये बाहरी पृष्ठ का आवेश कहाँ पहुँच जाएगा, पृथ्वी में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से देखें तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा।
मान लेते हैं पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 है, दूसरी प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 है और तीसरी प्लेट के बीच का विभवांतर V3। तो ये प्लेटों के बीच के विभवांतर हो गए। तो अब आइए देखते हैं विभवांतर। पहली प्लेट संधारित्र का विभवांतर V1 संधारित्र के फार्मूले से ये बराबर हो जाएगा आवेश बटे C1। इसी तरह V2 बराबर Q/C2 एंड V3 इक्वल Q/C3। अब यदि A व B के बीच का कुल विभवांतर V है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल विभवांतर कितना है V, तब V बराबर हो जाएगा सभी के विभवांतरों के योग के बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सबका मान लेंगे तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 ये हो जाएगा। अब यदि हम A व B के बीच एक संधारित्र रखें जिस पर क्यू आदेश देने पर विभव बी हो, तो क्यू आदेश देने पर विभव कितना हो बी हो, तो वह संयोजन का तुल्य संधारित्र कहलाएगा। संयोजन का तुल्य संधारित्र कहलाएगा होगा। अतः उस स्थिति में आपको मिल जाएगा V बराबर Q/C, जहां C क्या है तुल्य धार का, C तुल्य धार का है संयोजन। अब यहाँ से देखें तो V/Q/C ये मान यहाँ रख दें तो Q/C बराबर हो जाएगा 1/C Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये समट गया, कट जाएगा Q/C2 हटेगा, मिलेगा क्या हमें 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मिल गया फार्मूला तुल्य धारिता का। तो इस तरह से तुल्य धारिता का फार्मूला मिल गया। कब? जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखें मिला क्या, यदि कई संधारित्रों को हम क्या करें श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य संधारित्र की धारिता सी है, उसका व्युत्क्रम 1/C। तो तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। फिर से ध्यान दें, यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यहाँ ध्यान दें 1/C1 पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है, 1/C2 दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है, 1/C3 तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। तो अब इस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और जोड़ने पर देख रहे हैं कि तुल्य धारिता थोड़ी घट रही, संयोजन की तुल्य धारिता यहाँ घट जाती है। तो श्रेणी क्रम का उपयोग तब करते हैं जब ऊंचे वोल्टेज को एक अकेला संधारित्र नहीं ले सकता, तो हम क्या करते हैं अनेक संधारित्रों पर उस विभव को विभाजित कर देते हैं और जिसके लिए कम धारिता वाले संधारित्रों की आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं दूसरा संयोजन। इन सीरीज हो गया, अगले संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम, पैरेलल,
इस संयोजन में क्या करते हैं कि जितने भी संधारित्र को आपको जोड़ना है समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ लेते हैं और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ लेते हैं। तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएँ क्रमशः C1, C2, C3 जो बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। एक संधारित्र, दो, तीन, इसके भी A व B के बीच पॉइंट A, पॉइंट B, यही श्रेणी क्रम में, श्रेणी सॉरी समांतर क्रम में जोड़ी गई इसका संबंध मशीन से उसका पृथ्वी से कर दिया गया। सपोज करते हैं क्यू आवेश दिया जाता है टोटल। अब जब क्यू आवेश दिया जाएगा तो यहाँ जाने के कितने मार्ग? तीन। तो ये आवेश आपका तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ आवेश Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3 आवेश गया। ठीक, तो सिस्टम में इसके पहले प्लेट पर प्लस Q1 आवेश हो जाएगा, दूसरे पर माइनस Q1 हो जाएगा और इसके बाद इसका आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से। उसी तरह से इसके प्लेट पर प्लस Q2 आवेश होगा, इस पर माइनस Q2 आवेश होगा और बाहर इसका आवेश पृथ्वी में। इस पर प्लस Q3 आवेश होगा, प्रेरक के कारण पर माइनस Q3 और बाहर इसका आवेश यहाँ भी कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। अब यदि A व B के बीच का विभवांतर B है तो चूंकि सभी संधारित इसके जुड़े हुए हैं, A व B के बीच जुड़े हैं, इसलिए सबके विभव क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक, तो उस स्थिति में Q1 बराबर पहले संधारित के लिए C1 भी मिल जाएगा, फिर दूसरे के लिए Q2 बराबर C2 भी एंड Q3 बराबर मिल जाएगा C3 भी, उसी संधारित वाले फार्मूले से ही लिखा गया। ठीक, एक आर लगाया गया धारिता सी बराबर क्यू बाई बी होता है, यहाँ से क्यू जान करें तो सी बी हो जाएगा। अब पहले के लिए C1 होगा, आगे C1 है, इन दिनों सेम है, इसके सबके साथ भी लगा हुआ है। कुल आवेश, आवेश संरक्षण के नियम से कहाँ से मिलेगा? ये आवेश संरक्षण के नियम से क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मापक ने सबका C1 B प्लस C2 B प्लस C3 B, B का मान हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल गया Q3। अब तीनों को हटाकर एक अकेला संधारित्र लगाएं, तीनों को हटा दिया जाए, सिर्फ एक अकेला संधारित्र लगाएं जिस पर Q आवेश देने से विभवांतर क्या मिले? B। तो वह संयोजन का क्या कहलाएगा? तुल्य संधारित्र कहलाएगा। और यदि तुल्य धारिता उसकी सी हो, फिर से ध्यान दें, ये तीनों संधारित्रों को हटाकर केवल एक संधारित्र लगाएं जिस पर क्यू आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच का विभव बी हो, तो वह संधारित्र संयोजन का तुल्य धारिता हो संधारित्र होगा या तुल्य धारित तुल्य संधारित्र होगा। और यदि उसकी धारिता सी है, यहाँ से क्यू बराबर मिल जाएगा किसके? बी सी के। और यहाँ दोनों से समीकरण एक तथा दो से क्यू बराबर ही है तो बी सी बराबर मिल जाएगा, बी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, बी सी डी घट गया, सी बराबर मिल जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो इस तरह से तुल्य धारिता के लिए व्यंजक मिल जाएगा और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर मिल रही है, यानी समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ऐसे संधारित्रों को कब जोड़ते हैं? जब आवेश अधिक हो और उन्हें को बांटना हो तो धारिताओं के अनुपात में हम बांट सकते हैं आसानी से। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में कार्य करना पड़ता है और यही कार्य
संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही उस संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। माना एक संधारित्र की धारिता C है और संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश, यानी संधारित्र की धारिता C है, उसको एक आवेश दिया जाता है Q डैश, जिससे उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाता है B डैश। तो B डैश इक्वल मिलेगा आपको Q डैश C। ठीक, माना किसी संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की प्लेटों को Q डैश आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर B डैश है, तब B डैश इक्वल Q डैश बाय C। आगे देखते हैं, संधारित्र को अल्प आवेश dQ देने में कृत कार्य W, कार्य W बराबर हो जाएगा विभव गुणे आवेश। विभव कितना है B डैश, आवेश कितना दिया गया dQ, B डैश का मान यहां से रखें तो Q डैश C अतः संधारित्र को जीरो से क्यू आदेश, कहां से शून्य से क्यू आदेश देने में किया गया कार्य शून्य से क्यू आदेश देने में किया गया कार्य टू डब्ल्यू, यानी अल्प आवेश दिया जा रहा था इसलिए डी डब्ल्यू लिख ले रहे हैं, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर दें जीरो से क्यू हो गया क्यू डैश बाई सी डी क्यू इक्वल जो कांस्टेंट है बार हो गया वन पान सी जीरो से क्यू क्यू डैश डी क्यू इसको इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा वन पान सी क्यू डैश का हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई टू लिमिट हुई रहेगी जीरो से क्यू। आगे डब्ल्यू बराबर मिल जाएगा वन अपान सी, एक बार हमें के स्थान क्यू डैश के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दें तो हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई टू और माइनस जीरो बाई टू, ये डब्ल्यू बराबर मिल गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यही कार्य संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। यही कार्य संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। इसी कार्य को संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इससे वृद्धि हो गया क्यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, परत क्यू बराबर किसके होता है सी बी, इस स्थिति में यू बराबर हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी, यहाँ से ये सी की घात कैंसिल हो गया यू बराबर मिल गया हाफ सी बी स्क्वायर फॉर्मूला ये। तो इस तरह से संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बात ध्यान दें, कुछ ऐसा ही फार्मूला आवेशित चालित की स्थिति ऊर्जा के लिए भी बताया गया होगा। तो दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ संधारित्र की जगह आवेश लिखा गया होगा, चालक लिखा गया होगा आवेशित चालक, और यहाँ उसकी जगह संधारित्र है, बस इतना ही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है दोनों फार्मूलों में, दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं।